अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुश बाश हैं, खैरोखरियत से? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसे होगा क्या कि चैनल पर जो भी नया ब्लॉग अपडेट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगी, आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकेंगे और इंटरटेन हो सकेंगे। मैं जिस वक्त खड़ा हूँ अकबराबाद मंडी में, जहाँ पर देसी बकरे आते हैं, तो क्योंकि एक भाई का बहुत दिनों से मुझे ना कमेंट आ रहा था, भाई देसी बकरों की अपडेट दे दे, देसी बकरों के बारे में अपडेट कर दे। तो मैं ज़्यादा पहाड़ी बकरों की वीडियोस वगैरह ज़्यादा बनाता हूँ, या एक आधी वीडियो बकरों की डील की मैं जो सी है वो अपडेट की है। तो मैं कहा चलो देसी बकरों की भी ना अपडेट कर दे ताकि पता लग सके क्या सारा। लेकिन इधर तो मैं तो माल ही बहुत कम रह गया हुआ है, देसी बकरा तो बिल्कुल बहुत थोड़ा रह गया इधर अकबराबाद मंडी में। साइडों पे इमनाबाद रोड वाले या अंडस्का रोड पे या फिर क्या नाम है वजीराबाद रोड पे साइड पे तो नहीं मुझे इल्म कितना है, लेकिन अकबराबाद जितना माल आया था उसके साथ में तो बहुत ज़्यादा कम माल रह गया। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करनी, अपनी राय का हर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। तो रैंडमली पूरी मंडी फिरेंगे, रेट लेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि क्या रेट चल रहे हैं, किस तरह आप डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे हम डील की तो कोई नहीं नज़र आएगी, लेकिन ये है कि आपको रेट से देख के उसे मैं अपडेट करूँगा और आपको बताऊँगा मंडी में क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त। तो चले आए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अभी जी अब इधर आए हैं, भाई से थोड़े रेट शेट पूछते हैं। बकरे वो से दोनों की है, कितने पैसे ने दे? 70,000 वो परला गए जरा, हाँ 65,000 रहा जरा बैठा था। 70,000 मतलब अस खुली ते ऐ वो चार है जिन्हें आने 70,000 रुपये देने, ठीक है। तो आप परला वड्डा एक पीस और वो मखी चीना आ गए 65,000, ठीक है जी। ये जी देखें डिमांड, ये फाइनल बताया कि गाहक से इतना मांग रहे हो? हाँ ये गाहक से इतना मांग रहे हो, ठीक है। 65,000 रुपये जी बताया इन्होंने कीमत, बाकी आप देख सकते हैं जानवर, ये बड़ा भी जानवर हुए ना, तो 15 किलो 16 किलो मीट वेट में जानवर हैं, इससे ज़्यादा के जानवर नहीं हैं। लेकिन यह है कि ये मेरे हिसाब से ना आपका 40-45 में अगर बन जाए तो बेहतरीन है, ठीक है। बाकी वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ कि इतने में होना चाहिए। अब ये जानवर जो है ये 120 का इन्होंने बताया है, इसको खड़ा करते हैं इधर। हाँ जी कुत्ता प्यार आ रहा है, अंडल बकरा है जी, 1,20,000 रुपये इसकी कीमत है। माशाल्लाह जानवर ये हो सही है, इस हाइट का जानवर ना एक हंसी होता है, 1,50,000 रुपये इसकी कीमत इन्होंने मांगी थी। बाकी इधर ये बड़े बकरे इनके बैठे हुए हैं, सादा राजनपुरी किन्ने किन्ने देने वे इधर खुली तो बने देने 2.5-2.5 लाख। ये देखें जी ये 2.5-2.5 लाख रुपये का बकरा है, ये बकरा है जो आप कह सकते हैं कि मन मन गोश्त वाला ना बकरा, ये वो बकरा है, ये ज़रा कम है, ठीक है। लेकिन ये जो राजनपुरी तीन बंदे हुए हैं ना, ये 2.5-2.5 लाख रुपये एक बकरे का मांगा जा रहा है। तो भाजी कुछ बकरों में रेट में, लेकिन जो बड़े बकरों को हाथ डालेंगे वो आपको इसी तरह 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है। तो
अभी आगे चलते हैं, आगे जाके रेट पूछते हैं। ठंडे लग रहे हैं बार बार, किले लगे हुए हैं, ध्यान नहीं आता। यहाँ कैमरा सीधा कर लूँ, यहाँ तरपाल ऊपर रेड लगी हुई है, जिस वजह से ना रेड रेड सारी वीडियो नज़र आ रही होगी आपको। बाकी देखते हैं, अभी इधर एक कस्टमर आए हुए हैं, वो देख रहे हैं बकरे। बाकी ये पूरी मंडी में देखें, माल बहुत कम रह गया, माल कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बस पूरा पूरा माल ही। इस बाड़े में भी चलते हैं, जाके रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सर जी की हाल है? ठीक ठाक हो? बकरा सर जी किन्ने दा जे? 1,20,000। ये देखें जी, एक बड़ा भी बकरा हुआ ना, तो 20-22 किलो 23 किलो गोश्त है, आंडल बकरा ते है ना आला। एक त्रीदा है ते आंडल है। खसी जी सर, कितने खसी है यार? ਕਿਹੜਾ ਖਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹ 1-3 ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਂਦਾ ਚੌਗਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੇ ਨਾ 260 ਦੇ ਨੇ, 3 ਇਹ 4 ਹੀ 40 260,000 ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਦਾ? ਖੁਦ 65,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ जानवर कोई 17-75 बकरे ਗਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਈ ਲਾਣਾ ਦਾ ਗਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਲੇ ਗਾਗ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਗ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਮੁੱਲ ਲਾਣਾ ਦਾ 70,000 75,000। ਬਾਕੀ ਅਸਾ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 21 ਦੱਸਿਆ ਨਾ? 21 ਵਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ 70,000। ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਪਿਆਰਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਕਾ 80-85,000 ਰੁਪਏ ਬਣਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1-20 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, 30-40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ, ਲੱਖ ਸੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਆਪਕਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਇਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਈ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦੇਂਗੇ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊ, ਅਭੀ 5 ਦਿਨ ਪੜੇ ਹੈ, ਮਾਲ ਜੋਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਨਫਰਮ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਕਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੁਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਨੇ ਚੁਨੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਰੀ ਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਭੈਣ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਭੈਣ? ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਰੇਟ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪ ਮੁਝੇ। 90,000। ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ? ਜਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਸੇ ਹਮ ਇਹ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਡਾਲਤਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ? 2,20,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨੇ ਮੇਂ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ? ਜਬ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਤਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹਿਰ ਇਧਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ 2-20 ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ 2-2 ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, 1-90 ਤੱਕ 1-80 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। 90,000 ਰੁਪਏ ਕੱਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। 90-90 ਕਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ, 1-80 ਕਾ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਪੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਕੇ ਪੇ ਰੇਟ ਜੋ ਕਰੇਂਗੇ ਵੋ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੇ। ਦੋਂਦੇ ਹੈਂ ਦੋਨੋਂ? ਚੋਗੇ ਹੈਂ। ਦੋਂਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਇਹ ਰਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਗੇ ਹੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਦੋਂਦੇ ਕਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਸਮੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਅਬਲਕ ਮੇਂ ਹੈ,
ठीक है, क्रॉस में राजनपुरी है, मक्की चीन है, ये गुलाबी राजनपुरी एक अपलक में खड़ा है, ये इनके पास खड़े हैं जानवर। बाकी यार मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि इस बार माल क्यों इतना कम रह गया, अभी 5 दिन पड़े हैं, इतना माल कभी सियालकोट की मंडी में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार बच गया था थोड़ा, नौ को खत्म हुआ था। अच्छा। लेकिन इस बार जो है हमें जो नजर आ रहा है कम से कम 7 और 8 में ये माल खत्म हो जाएगा, जो इस कंडीशन इस चौक अकबराबाद चौक खास तौर जो कंडीशन नजर आ रही है वो 7 से 8 तक है। 7 से 8 तक, अदा 7 से 8 मतलब ये और 7-8 चांद की 7 तारीख और 8 तारीख ये माल खत्म। अच्छा। हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ, वही मैं आज दे आ रही हूँ, मैं इधर मैं उधर रहा हूँ साइडों पे, तो मैं ज़्यादा पहाड़ी बकरों की वीडियोस बनाता रहा हूँ। मैं आज तक 1.5 हफ्ते बाद इधर आया हूँ, जब मैं आया था तब तो भरा हुआ था माल, ये जी जी। जितने भी कॉपे लगे पूरा वही मैं दे रहा हूँ हर एक के पास, अब गिने चुने दाने रह गए, किसी के पास 10 खड़े हैं, किसी के पास 15 खड़े हैं, ठीक है, जो 50-60-70 दाना लाया था वो अब इतने ही 10-20 दाने ही रह गए सबके पास। अब समझो ऐसा समझो 8 एंड है बस, 8 गाड़े आई थी तो समझ लो 2 से 3 गाड़ियाँ बची हैं, 5 गाड़े का माल बिक चुका है। सही सही, तो वो यही है एक आधे दिन में जी परचेजिंग कर लें जिसने भी करनी है, बाद में देसी बकरा नहीं मिला, अगर मिला भी तो बड़ा महंगा मिलना इन दिनों में जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि माल ज्यादा होता ना फिर चांस हो जाएगी मंडी गिरेगी, लेकिन माल ही नहीं है, जब माल ना हो फिर मंडी चढ़ जाती है, भाई वो बड़ा जानवर है चाहे छोटा जानवर है, वो मंडी बड़ा जानवर बहुत ज्यादा है, बड़े जानवर की हो सकता है मंडी गिर जाए, क्योंकि तेरा अभी गाह कितना ज्यादा नहीं, रात के टाइम गाह कार है, लेकिन देसी बकरे की तरफ ये देख लेना माल बड़ा भी इधर दाना खड़ा होगा ना बहुत भी ज्यादा, तो 250 दाना खड़ा होगा मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं होने लगा पूरे ये इस ग्राउंड के अंदर। बाकी साइडों पे नहीं पता क्या है, वजीराबाद रोड पे भी अभी जो मंडी लगी है उधर भी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि देसी बकरों को मैं टच नहीं कर रहा, और ये आप लोगों के कहने पे वीडियो बनाने आया हूँ, तो बाकी ये है कि आगे चलते हैं रेट शेट बाकी उसे भी लेते हैं, देखते हैं क्या सब रेट मांग रहे हैं इधर, तो मेरा जो सा अंदाज़ा है कि आपको अगर आजकल में आप परचेजिंग कर लेंगे तो आपको कुछ बेहतर जानवर मिल जाएंगे, नहीं तो और 1-2 दिन बाद सिर्फ वही माल है ना जो छोटा दाना जो लोग नहीं पसंद कर रहे देसियों में, वो वही रह जाएगा पीछे, बड़ा दाना ये जो खड़े हैं कुछ बीच में ये बिक जाना है 1-2 दिन के अंदर ही, तो आगे चलते हैं जी। बाकी ये भी इधर राजनपुरी मक्खी चीने खड़े हैं, ये छोटे छोटे साइज के 17 किलो 18 किलो 20 किलो वाले दाने, सुचल दाने जो से ना गिने चुने रह गए हैं हर रेबड़ में देखे, मतलब ये वाली कैटेगरी आपको ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है ये सारी, और ये देखें सारी जिसमें अब ये बड़ी कैटेगरी एक ये आ जाती है वो आ जाती है, ये वाले दाने ना यार ऊपर ना लाल तरपाल लगी जिस वजह से रोशनी बार बार ना बड़ी में वो मतलब कि मसला आ रहा है, मैं धूप से छाँव में आता हूँ ना तो साथ ही कैमरा ऑटोमेटिक उसको कर देता है। ये देखें ये दाने खड़े हैं एक दो जो अच्छे दाने लग खड़े हैं, ये बाकी नॉर्मल ही हैं, ठीक है ये कोई 20-22 kg का ये जानवर ज़रा खूबसूरत है, ये भी कह लो कि 20-22 kg का एक ये दाना ये बैठा हुआ है, ठीक है ये दाना भी अच्छा है, बाकी ये 2-3 दाने अच्छे हैं, ठीक है अभी आगे चलते हैं। मंडी में आप देख रहे हैं माल बिल्कुल खत्म हो गया लोगों का, ये बस थोड़े थोड़े दाने लोगों के पास बच गए हैं, अभी मैं प्राइसेस आपको नहीं जा रहा, ये बरबरे खड़े हैं इनकी कीमत पूछते हैं। साजिया दे कितने पैसे ने जोड़े थे, हाँ सेल हो गए, जो तुम आए थे ना उस दिन एक तो 1.5 मांगते पे सो आहो ते आज 1.5 ते 2 वेच छड़े जे आदि मैं वीडियो बनाई दी है राती वेचे ए बकरे दा रेट है हेड माला के सनवा के 1.5 लाख दे वेचे आहा चलो अल्लाह बेहतर करे। बाकी ये देखें जी माल बिल्कुल खत्म, व्यापारी सोए हुए हैं जिनका बस एक दो दाना रह गया, ये देखें अब इसके सिर्फ 3 दाने रह गए, तो माल बिल्कुल भी नहीं दिया जी मंडी में, थोड़ा सा माल है नहीं तो इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी होती इस मंडी में, ये सिचुएशन होती थी। ये देखें 5 दाने इस बाड़े के अंदर बस, ये इधर कुछ दाने इनके पड़े हुए हैं मतलब के बच गए हैं, इनका माल थोड़ा ज़्यादा है, तो ओवरऑल अगर आपको मार्केट का बताया जाए
तो यही 300-250, 300-400 दाना इतना मंडी में होना टोटल। ये देखें, ये बड़े पीस भी हैं इसके पास, बड़े बकरे भी हैं माशाल्लाह। ये बकरा प्यारा है जी, राजनपुरी। साग किन्ने पैसे ने आधे आधे किन्ने पैसे ने? हाँ 61। सब तो सस्ता के रही कोल, सस्ता गोल आओ, सब तो घट कीमत आला, ये सब तो महंगी कीमत आला है। दे दो एनु, खिला रहा यार। किने किने दाई किने दाने भी गए नहीं, दस एक गए ना, दस सही पूरा कर मुंह ना कर मुंह इधर कर यार, इन जी नजर नहीं आ रहा। ये जी 8 लाख रुपए की जोड़ी जी, साग कितने का तक रेट को लग गया ना दा मूल पे आ कोई? हां लगता है। कितना को लगदा वे जोड़ी से? लगदा के 6-7 लाख। तो मूल तो बड़ा सोना पे है, 6-6.5 बकरे ही हैं ऐसे, बहुत महंगा काम हो गया यार। ये आया दस है कि नहीं दस ही आएगा पैंट आ जोड़ी जड़ी बैठी थी है आ ब्लॉक से उठा यानी छोटा बरबरे भी है नहीं आ बरबरा थोड़ी है टड्डा बरबरा है तो नहीं ना होता की हो गया छोटे कनाल टापरा टापरा नहीं आंदा जिस तरह कराची का उंज दे कान है ना दे। ए, माशाल्लाह जी टड्डा अच्छे वजन में जानवर माशाल्लाह। ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਗੇ ਨੇ? ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਦੋਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੋ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸੋਨੇ ਆ ਔਰ ਤਕੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਕਹਤਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਨਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਹਤਾ ਕਿ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 1-10। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਹੈਂ 1.5 ਮੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਟਾ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ 1.5 ਹੀ ਲੱਭੇ ਹੈਂ। लेकिन नहीं दिए, लेकिन ये है जानवर भूख ना लगे उन्हें बरबरे बेचे ने, ठीक है वो भी हूँ बरबरे ने है वो भी आने ने। लेकिन है कि ऐसा मुल तो मुल तेन भी पता फर्क है, वो महंगा ठीक है, वो ऐने ऐने उन्हें 1.5 लाख के दो बेचे, 1.5 लाख के दो ठीक है। लेकिन ऐने ही सन तकरीबन छोटे जिन्हें है सर जिन्ना छोटा है इधर आला ना ऐने ऐने सन, लेकिन वो प्योर गुलाबी बरबरा सी। तेन उंज भी पता गुलाबी बरबरे का रेट मुल की है, तू आप ही काम कर रहे हैं सिद्धी गल कर रहा।
ये थी जी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको अपडेट किया है जी देसी बकरों के सारे मंडी में माल बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है, प्राइसेस भी बताई हैं ठीक है, और देखने सूरत हाल बहुत ज़्यादा कम माल रह गया है और जो आया था वो सेल हो चुका है, तो बड़ा भी दाना मंडी में होगा 200 से 300 दाना में से चार ज़्यादा से 400 दाना खड़ा हो गया, इससे ज़्यादा दाना मंडी में नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बहान, अल्लाह हाफिज़।